यहाँ किसान भाइयों प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, प्रति क्विंटल 3100 रुपये धान का दाम और बकाया 2 साल का बोनस को लेकर और एक नई अपडेट सामने आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक जानकारी पोस्ट की है, जहाँ 21 क्विंटल धान खरीदी 3100 रुपये धान का दाम लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ किसानों को प्रति एकड़ 65,100 रुपये मिलने वाला है। धान बेच चुके किसानों के लिए भी सरकार ने एक सुविधा उपलब्ध कराया। तो ये जानेंगे पूरी खबर आज के इस वीडियो पर, तो पूरी वीडियो पर बने रहिए और नए हैं तो यार बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हर रोज पाने के लिए। यह किसान भाइयों खबर आ रही है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य के किसानों से किए गए वादे के अनुसार राज्य शासन द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ के मान से क्रय करने का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसको लेकर कहे कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता से किए सभी वादों को पूरा करेगी, हम राज्य के किसानों से 3100 रुपये क्विंटल के मान से धान की खरीदी करेंगे। राज्य में इस साल 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की अनुमानित है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के एवज में किसानों को लगभग 40,000 करोड़ का भुगतान होगा। किसान भाइयों इसको लेकर बताया जा रहा है राज्य में अब तक किसानों से समर्थन मूल्य पर मात्र 15 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 21 क्विंटल कर दिया है। धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से होने पर किसानों को प्रति एकड़ धान विक्रय का लगभग 23,355 रुपये का अधिक लाभ मिलेगा। पिछली सरकार द्वारा किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीदी और 4 किस्तों में इनपुट सब्सिडी के कुल भुगतान को मिलाकर अधिकतम 41,745 रुपये का भुगतान किया जा रहा था। राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी को लागू करके किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रहे हैं। इससे किसानों को प्रति एकड़ धान बेचने पर कुल 65,100 रुपये का भुगतान होगा, जो उन्हें धान खरीदी के एवज में अब तक हो रहे भुगतान से 23,355 रुपये अधिक हैं। अब हमारे किसान भाई 65,100 रुपये प्रति एकड़ भुगतान को लेकर तरह तरह के कमेंट अब करने लगेंगे। देखो भाई ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आंकड़े बता रहे हैं। सरकारी वेबसाइट पर भी यह लिखा हुआ है कि अगर आप 21 क्विंटल धान 1 एकड़ में बेचते हैं तो 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, मतलब 21 × 3100 को कर देंगे तो 65,100 हो रहा है। तो भाई इस तरह से आपको प्रति एकड़ 65,100 रुपये का भुगतान होगा। जानते हैं किसान भाइयों बकाया धान बोनस को लेकर क्या बोली हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी खरीदी केंद्रों में बेहतर और पर्याप्त इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती को हम राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। 25 दिसंबर को राज्य के किसान भाइयों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप 2 साल के धान की बकाया बोनस राशि के रूप में 3,716,38,96,000 रुपये का भुगतान करेंगे। इसके अलावा पूर्व में धान भेज चुके किसानों के लिए भी खबरें सामने निकल कर आ रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रति एकड़ धान खरीदी की अधिकतम सीमा 21 क्विंटल लिंकिंग के साथ होगी। ऐसे किसान जो अपना धान पूर्व में समर्थन मूल्य पर विक्रय कर चुके हैं उन्हें भी उक्त मात्रा के अंतर्गत धान विक्रय करने की सुविधा दी जाएगी। तो भी कुल मिला के आसान शब्दों पर जाने तो मुख्यमंत्री सीएम साय ने अपने सोशल साइट पर जानकारी शेयर करी है, फोटो शेयर करी है कि 3100 रुपये धान का दाम किसानों को मिलेगा, साथ ही 21 क्विंटल प्रति एकड़ किसानों से धान की खरीदी होगी। हालांकि उन्होंने कब से शुरू होगा यह नहीं बताई है, लेकिन इससे पहले कई मौके पर मुख्यमंत्री साय जी ने यह जानकारी दी है, बताई है मीडिया को, बताई है कि धान बेचने वाले सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। जहां तक मुझे लगता है किसान भाइयों की 3 दिसंबर के पहले इसका ऐलान हो सकता है। और भाई उम्मीद करते हैं यार आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है क्लिक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जोर से करके रखिए। साथ ही हमारा वेबसाइट है, हमारा टेलीग्राम है, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, पल पल की अपडेट उधर भी आप लोगों को मिलता रहता है। तो भाई हमारे सोशल साइट को भी आप फॉलो करके रखिए, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अपना विचार और राय भी नीचे कमेंट बॉक्स पर जोर से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।